बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, उसमें आज हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी थ्योरी पेश की है, उसको हमने स्टडी करना है कि अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। तो उसको हम स्टडी करते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेलफेयर। साइंस ऑफ वेलफेयर का क्या मतलब, इसको अभी हम देखते हैं कि अगर आपको याद हो, एडम स्मिथ जो था उसने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी है वो हम सारा का सारा पैसे यानी वेल्थ को डिस्कस करते हैं। और अल्फ्रेड मार्शल ने अब कहा है कि इकोनॉमिक्स में हम जो कुछ भी डिस्कस करते हैं वो क्या है, वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब क्या है, भलाई। ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा है कि इकोनॉमिक्स में हम पैसे को डिस्कस करते हैं कि पैसे की जो भी डीलिंग है उस एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं, इंसानियत की भलाई के लिए हम जो कुछ करते हैं उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब एडम स्मिथ अगर हम देखें, उसने यही कहा था कि इंसान के पास अगर पैसे यानी मनी हो तो उससे क्या करता है, वो अपनी जिंदगी की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स या फिर उसकी नीड्स होती हैं वो पूरा करता है। एडम स्मिथ ने कहा कि इंसान को पैसे हासिल करने चाहिए ताकि अपनी जरूरियात यानी नीड्स को पूरा करे। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इंसान को अपनी जरूरियात यानी नीड्स पूरी करना, ये इकोनॉमिक्स है। अब एडम स्मिथ ने क्या पहला स्टेप बताया कि पैसा इकट्ठा करो, प्रोड्यूस करो, फिर एक्सचेंज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो और कंज्यूम करो। उसने बात पैसे से स्टार्ट की। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, इसने कहा है कि नहीं, बस आपके पास जो आपकी जरूरियात है वो पूरी हूं तो यही इकोनॉमिक्स है। अब उसने पैसा किस लिए कहा था, एडम स्मिथ ने, उसने भी इसलिए कहा था कि पैसे होंगे तो आप अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी कर सकेंगे। लेकिन उसने लफ्ज़ पैसा यानी वेल्थ यूज कर लिया गलती से, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो कोई लालची बंदा है जो वेल्थ के ऊपर यानी पैसे के ऊपर फोकस कर रहा है, और अल्फ्रेड मार्शल ये अच्छा बंदा है जो जिंदगी की जरूरियात की बात कर रहा है। अब एडम स्मिथ ने भी तो पैसा इसलिए कहा था ताकि आप जरूरियात पूरी करें। उसने कौन सा कहा कि आप लोग पैसे जमा करें ताकि आपके फ्यूचर में कोई यूज में आए। तो मकसद दोनों का सेम था, लेकिन इसने देखा है कि उसके पैसे के वर्ड को लोगों ने पसंद नहीं किया, तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने डायरेक्ट जरूरियात यानी नीड्स की बात की है। तो उसने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेलफेयर, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, भलाई की बात करते हैं कि इंसान की जरूरियात पूरी हों तो ये समझा जाता है कि ये उसकी कोई भलाई की बात हो रही है। तो उसने पैसे की बात की तो शायद समझा गया कि ये कोई लालची बंदा है। इसके बाद इसकी थ्योरी में क्या मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहला क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, मतलब ये कि कोई भी बंदा उसके रिलेटेड ये बताता है, उसकी लाइफ से रिलेटेड इन नॉर्मल मैटर्स ऑफ लाइफ, एक आम बंदे की आम लाइफ में जो उसके मामलात होते हैं उसके रिलेटेड इसने अपनी थ्योरी पेश की है। स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, आप समझ लें कि एक कोई बंदा है जो अपने कमरे में चुप करके बैठा है, वो भी तो कोई ना कोई मामला कर रहा होगा, या फिर मामला करता किसके साथ है, वो जाहिर सी बात है जो उसका मुआशरा है, सोसाइटी है, लोग हैं, तो लोगों के साथ ताल्लुकात जो होते हैं हम कहते हैं ये क्या है, ये उसकी सोशल लाइफ है। तो वही कहता है कि अकेले बंदे की जिंदगी या फिर उसके लोगों के साथ जो मामला होते हैं उन उस लाइफ में वो डिस्कस करता है कि वो अपनी जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए। स्टडी ऑफ वेल बीइंग, गेटिंग वेलफेयर नॉट वेल्थ। तो वो कहता है कि आम बंदा अपनी जिंदगी में लोगों के साथ मामलात में जो अपनी भलाई हासिल करता है, मतलब अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जो उसके साथ डीलिंग्स करता है लोगों के साथ, उसको हम कहते हैं ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो यहां पर मैंने वाज़े लिख दिया है, गेट वेलफेयर नॉट वेल्थ। ये कहता है कि आपके पास जिंदगी की जरूरियात पूरी हों तो यही इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ कहता है कि जिंदगी की जरूरत पूरी करने के लिए जो आप पैसा कमाएं उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बाद क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला पॉइंट क्या है, वेल बीइंग थ्रू गुड्स ओनली नॉट थ्रू वेल्थ और सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्फ्रेड मार्शल जो था उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इंसानियत की भलाई हो लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसकी नीड्स पूरी हो सकें। अब वो इसमें भी मजीद लिमिटेशन पैदा कर रहा है, वो कौन सी लिमिटेशन, ये है, वो कहता है थ्रू अटेनमेंट
एंड यूज ऑफ मेटीरियल रिक्विजिट्स। मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि एक बंदा अपनी जिंदगी की जरूरियात जो मेटीरियलिस्टिक हो, जिनकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस हो, उनको पूरा करने के लिए जो कोशिश करता है, उनको हासिल करता है, उसे कॉमर्स कहते हैं। तो मकसद क्या हुआ? इसने एक तो सिर्फ जरूरियात की बात की है, ये नहीं कहा कि पैसे जमा करो फिर जरूरियात पूरी करो। इसने डायरेक्ट जरूरियात की बात की, और जरूरियात भी कैसी? जो मटेरियल रिक्विजिट्स, मतलब कि जो मादी चीजें हों जिनकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस हो। अगर आप देखें, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी एक डॉक्टर और पेशेंट वाली, ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा कि एक डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसका चेकअप करता है और साथ ही उसको मेडिसिन देता है। तो क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें हैं जो आपकी, जिनकी मेटीरियल कोई शक्ल हो, जो मेटीरियलिस्टिक हो, फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस हो? इस एग्जांपल में आप देखें, जो मेडिसन्स हैं वो क्या हैं? गुड्स, हमने कहा था जिनकी कोई फिजिकली शक्ल हो वो गुड्स होती हैं, और जिनकी फिजिकली शक्ल ना हो तो हमने क्या कहा था? वो सर्विसेज होती हैं। तो अगर देखा जाए, इसने कोशिश तो की थी कि मैं वेल्थ की बात ना करूं, क्योंकि वो लोगों को बुरा लगता है कि मैं शायद कोई लालची बंदा हूं। तो इसने डायरेक्ट बात की वेल बीइंग की, ताकि इसने कहा कि मेरी थ्योरी को पसंद किया जाए। लेकिन अब लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी तुम्हारी थ्योरी में एक इशू है। तुमने कहा कि मटेरियल गुड्स जो हैं, इस्तेमाल की चीजें, उनको अटेन करो, हासिल करो और फिर उनको यूज करो। तो उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ मटेरियल चीजें तो नहीं होती, बहुत सी नॉन मटेरियल थिंग्स भी होती हैं, जैसे कि सर्विस वगैरह। सपोज एक टीचर है जो टीचिंग कर रहा है, तो वो आपको कोई फिजिकली कोई चीज दे रहा है? नहीं, आपको सर्व कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। जो डॉक्टर है वो चेकअप करता है, जो बार्बर है वो भी अपनी सर्विस दे रहा है। तो मतलब ये है कि इसकी थ्योरी में ये इशू था। इसने डायरेक्ट पैसे की बेशक बात नहीं की, इसने यही कहा कि बस आप अपनी जरूरियात पूरी करें। लेकिन अगर देखा जाए तो इसने फिर क्या कहा? थ्रू गुड्स मटेरियल रिक्विजिट्स। इसने ये नहीं कहा कि आप चीजों से भी अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, या हो सकता है आप अपनी सर्विस लेकर भी। तो इस तरह से इसकी थ्योरी में क्या पॉइंट थे कि जो एडम स्मिथ था, जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, उसने डायरेक्ट यही कहा था कि आप पैसे की डीलिंग करो, यही इकोनॉमिक्स है। इसने कहा है कि नहीं, आप अपनी जरूरियात पूरी करो, ये इकोनॉमिक्स है, मुख्तलिफ मटेरियल गुड्स को लेकर। फिर लोगों ने यह कहा कि मटेरियल गुड्स जरूरी नहीं है, हो सकता है आप अपनी सर्विस लेकर भी जरूरियात पूरी करें। जो पेशेंट है जिसकी तबीयत खराब है, उसकी जरूरत क्या है? उसे आराम आ जाए। तो वो हो सकता है डॉक्टर के पास जो जाता है, तो मेडिसिन के साथ वो चेकअप पहले कराता है, ताकि पता तो चले, डिजीज डायग्नोज तो हो कि इसमें इशू क्या है, कौन सी बीमारी है। तो इस तरह से इंसान की लाइफ में सिर्फ मटेरियल गुड्स नहीं होती, बल्कि सर्विसेज भी होती है। सो आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी है, उसको हमने स्टडी किया है। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, एंड अल्लाह हाफिज़।